तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं आगे कि मिसाल के तौर पे चूज अ मॉडिफायर की रीडिंग, तो यहाँ पे कह रहा है कैप्स लॉक की को इस्तेमाल करें, कंट्रोल एल्टर की को इस्तेमाल करें या इंसर्ट की को इस्तेमाल करें। अब मॉडिफायर की क्या होती है, यहाँ पे अगर हम मॉडिफाई की इंसर्ट को सेट कर देते हैं तो यहाँ पे बता रहा है यूज दीज कमांड्स टू हैव मॉडिफाई रीड फ्रॉम स्टार्ट पास रिज्यूम एंड मॉडिफाई की स्टॉप रीडिंग, रीडिंग माउस पॉइंटर, रीडिंग प्रीवियस सेंटर, और ये कुछ इसकी कुछ और भी कीज के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमें इंसर्ट की के ऊपर रखना है कि इंसर्ट की से हम क्या चीज़ें मॉडिफाई कर सकें। तो यहाँ पर आगे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है फिर कलर फिल्टर्स का। तो कलर फिल्टर में क्या हो रहा होता है, जैसे मिसाल के तौर पे आप अपने पूरे विंडोज़ के कलर फिल्टर चेंज करना चाहते हैं, फिर फॉर एग्जांपल क्या कलर फिल्टर रखना चाहते हैं, आपने यहाँ से इसको कर दिया टर्न ऑन। जैसे ही कलर फिल्टर ऑन किया तो ये देखें कलर फिल्टर ऑन हो गया इन्वर्टेड। इन्वर्टेड के बाद आप इसको ग्रे स्केल में देखना चाहते हैं तो आप सारे इमेजेस वीडियोस सारे आपको ग्रे स्केल में नजर आएंगे, और अगर आप इसको ग्रे और इन्वर्टेड में देखना चाहते हैं तो ये ग्रे और इन्वर्टेड दोनों में आपको नजर आएंगे। फिर इसमें रेड कितना रखना है, ये रेड ग्रीन के साथ दिखाए, ब्लू येलो के साथ दिखाए, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन में आपको ये दिखा सकता है। वंस अगेन इन्वर्टेड कर देंगे तो ऐसा नजर आएगा, ग्रे स्केल करेंगे तो ऐसा नजर आएगा, और इसको अगर हमें दोबारा से ऑफ करना है तो यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे तो ये दोबारा से कलर्स में हमें नजर आने लग जाएगा। बैक साइड में जाएंगे उसके बाद आ जाता है हाई कंट्रास्ट। ये फीचर आप जब यूज करेंगे या तो रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में, मतलब अगर आप रात के अंधेरे में इसको यूज करना चाह रहे हैं तो किस तरह चाह रहे हैं इसको टर्न ऑन कर दें। जैसे इसको टर्न ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारा का सारा जो है स्क्रीन हमारा ब्लैक हो जाएगा। अब रात के अंधेरे में जब आप अपने लैपटॉप को यूज करेंगे इस ब्लैक स्क्रीन के साथ साथ तो वो पूरी स्क्रीन काली नजर आएगी, और जब काली नजर आएगी वो स्क्रीन तो आपकी आंखों में स्नॉर्चिंग जो है वो नहीं होगी, मतलब अगर ब्राइट होती तो वो आंखों में चुभती, तो अब अंधेरे में भी आप जब इसको यूज करेंगे आपकी आंखों में नहीं चुभेगा और आपको हर चीज ब्लैक ही नजर आएगी। इस फिल्टर को आप चेंज करके हाई कंट्रास्ट 1 2 ब्लैक एंड व्हाइट पे भी कर सकते हैं। व्हाइट अगर व्हाइट कर देंगे तो फिर हर चीज व्हाइट नजर आएगी, यानी कि ज्यादा लाइट्स की जरूरत कब पड़ती है, जब आप दिन की रोशनी में, सूरज की रोशनी में, या सुबह सुबह पार्क में बैठ के या गार्डन में बैठ के आप अपने लैपटॉप को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उस टाइम आपको ब्लैक स्क्रीन की बजाय ज्यादा ब्राइट स्क्रीन चाहिए होगी ताकि रोशनी रोशनी के साथ अपना कंट्रास्ट क्रिएट करे और आपको टेक्स्ट सही तरह नजर आए। और अगर आप इन दोनों में से कोई भी यूज नहीं करना चाहते तो आप उसको सिमिलरली यहाँ पे जाके ऑफ कर सकते हैं, और जब ऑफ करेंगे तो आपका वही कलर मोड एक्टिवेट हो जाएगा। सही है, तो इस तरह आप अपने काम अपने लिए इसको इजी बना सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं नेरेटर। नेरेटर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक फीचर है। अब इस फीचर का काम क्या है, बहुत सारे लोग जो सही तरह देख नहीं पाते लेकिन सुन सही सकते हैं, तो नेरेटर आपको हर चीज रीड करके बताएगा। क्या करके बताएगा, रीड। अपने कंप्यूटर में स्पीकर ऐड करके या फिर माइक्रोफोन लगा के, हेडफोन यानी कि स्पीकर हो जैसे आवाज आपको सुनाई दे, तो इस नैरेटर को आप यहां से ऑन कर दीजिएगा। सेटिंग्स विंडो यूज नैरेटर नैरेटर हेडिंग लेफ्ट सेटिंगस विंडो यूज नैरेटर टर्न ऑन नैरेटर डेस्कटॉप लिस्ट बैटरी ग्रेविटी चेक डॉट टेक्स्ट सिलेक्टेड बल्कि आप टास्क स्विचर एस्टरिस्क अनटाइटल्ड नोटपैड विंडो टेक्स्ट स्पेस लैंग्वेज ये आपको पूरा पढ़ के प्रोग्रामिंग रहेगा। सही है, समझ रहे मेरी बात को, तो ये आपको सिर्फ पढ़कर सेटिंग्स विंडो यूज नैरेटर टर्न ऑन नैरेटर टॉगल स्विच ऑन किस जगह पर हैं, कौन सी चीज उनको दिखाई दे रही है, इस तरह का मामला हो रहा था। अब नैरेटर के मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इसमें ये दो ऑप्शन को गौर से समझ लें। अगर आप यहाँ पर और यहाँ पर चेक लगा देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा या कोई भी उसको लॉग इन करेगा तो ये नैरेटर वाला प्रोग्राम जो मैंने अभी चलाया हुआ है वो ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा, ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा। इसलिए इन दोनों पे से चेक को हमेशा रिमूव रखें। ठीक है, और इसके अलावा किस आवाज में आप वो माइक्रोसॉफ्ट डेविड इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स वन ऑफ फाइव सिलेक्टेड तो उसी आवाज में वो हर चीज आपको पढ़कर सुना रहा होगा। पर्सनलाइज नैरेटर्स वॉइस चूज अ वॉइस माइक्रोसॉफ्ट डेविड इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स कॉम्बो चेंज वॉइस वॉल्यूम slider at 1 change voice speed change voice pitch slider at 10 12 14 15 ya buland awaz mein pade 16 15 ko set kar sakte hain. theek hai, okay, theek hai. to ye narrator ke hawale se option tha, baki
खास अपने को यूजेबल नहीं है। नैरेटर को ऑफ करना है तो यूज एक्सिटिंग नैरेटर कर सकते हैं, जैसे ऑफ करेंगे ये निशान गायब हो जाएगा और नैरेटर ऑफ हो जाएगा। नैरेटर के बाद आपके पास अगला ऑप्शन है इसके अंदर ऑडियो का। ऑडियो को तो आप यहाँ से भी कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करके ऑडियो वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ओवरऑल सिस्टम का वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाएगा। क्लोज कैप्शन पे क्लिक करेंगे, अक्सर आपको विंडोज में फोटोज नजर आती हैं और उनके ऊपर टेक्स्ट नजर आता है, तो उसके हवाले से सेटिंग है कि जो टेक्स्ट इमेजेस के ऊपर नजर आए वो उसका कलर क्या हो, ब्लैक में नजर आए या डिफॉल्ट में नजर आए, उसका साइज, उसका स्टाइल, उसको कितना फॉन्ट साइज हो, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। आप जैसा अपना सेट करेंगे वैसे वो आपको नजर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसके ऊपर क्लोज कैप्शन के बाद है स्पीच का, टॉक इंस्टेड ऑफ टाइप। मतलब अगर आप ये फीचर अपना ऑन कर लेंगे तो जैसे इस फीचर को ऑन करेंगे, यहाँ से माइक्रोफोन को ऑन करेंगे और यहाँ से नोटपैड ऑन कर लें, तो जो भी आप कहेंगे ये उसको टाइप करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ राइट माई नेम, हेलो आई एम, हेलो दिस इज राशिद, आई एम राशिद, राशिद टाइप माई नेम। अब ये टाइप तो कर रहा है लेकिन मेरा एक्सटेंट इससे जरा मैच नहीं खा रहा है, तो इसको जो समझ में आ रहा है ये टाइप कर रहा है, ठीक है ना। अ लिटिल बॉय गोइंग टू स्कूल, स्कूल बनाना, एप्पल स्काई। थोड़ा सा इसके साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप जो बोलते जाएंगे ये वो टाइप करता जाएगा। तो ये फीचर आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं और अगर ऑफ करेंगे तो यहाँ से ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से आते हैं टैक इंस्टेड ऑफ माउस, तो फिर हमारे पास कुछ कीबोर्ड्स के ऑप्शंस आ जाते हैं। अब कीबोर्ड में भी कुछ हमारे पास ऑप्शन है, जैसे यूज द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, मतलब ये फीचर कैसे काम करेगा, जैसे इसको मैं ऑन करूँगा तो ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मेरी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगा, और ये कीबोर्ड अगर मेरा टच वाला लैपटॉप है तो डायरेक्ट स्क्रीन पे टच करके, और अगर मेरा टच वाला लैपटॉप नहीं है तो फिर मैं यहाँ क्लिक करके ऐसे टाइप करके भी यूज कर सकता हूँ, सही। मतलब माउस से कीबोर्ड को यूज कर रहे हैं, अगर कोई बिल्कुल आपका कीबोर्ड खराब हो गया है या आजकल वो 360 वाले लैपटॉप आ रहे हैं ना जिसमें अलग हो जाता है, तो फिर ये वाला कीबोर्ड आ जाता है, उस पर टच के साथ आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो टच के साथ नहीं कर सकेंगे लेकिन माउस के साथ जरूर टच कर सकेंगे। तो ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी आप इसका ऑन कर सकते हैं। और इसके बाद यूज स्टिकी कीज। अब स्टिकी कीज का बड़ा काम है इसके अंदर, प्रेस वन की एट अ टाइम। अब बाज़ोकात कुछ शॉर्ट कीज को हमें एक साथ दबाना पड़ता है, जैसे आपने देखा होगा अगर मुझे ए लिख रहा हूँ स्मॉल में आ रहा है, सॉरी तो मैं ए लिख रहा हूँ स्मॉल में आ रहा है क्योंकि मेरा कैप्स लॉक ऑफ है, तो मैं शिफ्ट के साथ ए को दबाऊंगा, शिफ्ट को होल्ड करूंगा और ए को दबाऊंगा तो कैपिटल में आ जाएगा। सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ एस दबाऊंगा तो ये सेव का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये कहलाता है स्टिकी कीज फीचर, स्टिक माने चिपकना। अब स्टिकी की फीचर हमें क्या हेल्प करेगा, जैसे ही मैं इस फीचर को ऑन कर दूंगा अब मुझे दो या दो से ज्यादा कीज को एक साथ प्रेस करने की जरूरत नहीं है। मतलब मुझे शिफ्ट ए दबाना है तो मैं शिफ्ट को अलग दबा दूं और ए को अलग दबा दूं, सेव करना है तो कंट्रोल को अलग दबा दूं और एस को अलग दबा दूं, कैंसिल करना है तो यहाँ से कंट्रोल अल्टर डिलीट दबाना है तो कंट्रोल को अलग, अल्टर को अलग और डिलीट को अलग। समझ में आ रही है बात? मतलब अगर हमें दिक्कत होती है दो तीन बटन एक साथ दबाने में, कोई शॉर्टकट परफॉर्म करने में, तो उसका आसान तरीका है कि स्टिकी कीज को आप ऑन कर लें तो फिर ये काम अलग अलग तरीके से भी हो जाएगा। उसके बाद अगर ऑफ कर देंगे तो फिर आपको दोबारा से एक साथ दबाने होंगे। फिर है यूज टॉगल कीज। अ टॉगल कीज का तो फीचर है, वो हमारे कीबोर्ड पे तीन बटन होते हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। अगर हम इसको ऑन करेंगे तो जब भी ये बटन दबाएंगे तो हमारे सीपीयू से एक आवाज आएगी बीप की, टोंट टोंट, मतलब कैप्स लॉक ऑन हो गया, कैप्स लॉक ऑफ हो गया, नम लॉक ऑन हो गया, नम लॉक ऑफ हो गया, बस इस तरह का काम है इसका। यूज फिल्टर कीज। अब फिल्टर कीज का कैसे काम करता है, जैसे अगर मैं कीबोर्ड से ए दबा के रखूं तो ये ए को एक बार टाइप करेगा या कंटिन्यूसली टाइप करता रहेगा, है ना। इस फीचर को कंट्रोल करने के लिए हम इसको ऑन कर देंगे। अब आप चाहे ए को दबा के रखें, जब तक आप दोबारा नहीं दबाएंगे बी को दबा के रखें,
जब तक आप दोबारा नहीं दबाएंगे ये टाइप नहीं करेगा। इसे कहते हैं रिपीटेड की स्ट्रोक, मतलब बार बार रिपीट होने वाले फीचर को आपने क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया। अब एक दफा दबा के रखेंगे, छोड़ेंगे, फिर दबाएंगे, छोड़ेंगे, फिर दबाएंगे, तब ये काम करेगा। ये ऐसे लोगों के लिए जो बूढ़े हो गए हैं या बिगनर्स हैं, कीबोर्ड को सही तरह टाइप नहीं कर पा रहे, इस फीचर को ऑन करके वो इस चीज से बच सकते हैं रिपीटेड की स्ट्रोक से। अगर आप ऑफ कर देंगे तो ये काम उस तरह से करेगा। अंडरलाइन कीज व्हेन अवेलेबल, अब यहाँ पर देखें ये इसकी शॉर्ट की है, एफ के नीचे अंडरलाइन आ रही है, ई के नीचे अंडरलाइन आ रही है, एफ के नीचे अंडरलाइन, ओ के नीचे अंडरलाइन आ रही है, डब्ल्यू के नीचे अंडरलाइन आ रही है, वी के नीचे आ रही है। ये बता रहा है कि ये इसके शॉर्ट कीज है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो देखिए किसी के नीचे अंडरलाइन नहीं आ रही, इससे हमें पता नहीं चलेगा इसकी शॉर्ट कीज क्या है। तो हर शॉर्ट की के नीचे उसके आगे वो अंडरलाइन दिखाएगा इसको ऑन करने पे। इससे मुझे पता पड़ेगा अगर फाइल का मेन्यू खोलना है तो ऑल्ट के साथ एफ का बटन दबाना है, ठीक है, और इसमें अगर मुझे ओपन करना है तो डायरेक्टली ओ का बटन दबाना है, क्योंकि अंडरलाइन किसके नीचे आ रहा है, ओ के नीचे आ रहा है, यानी कि अंडरलाइन कर देगा जो शॉर्ट कीज या हॉट कीज होंगी, फिर उनको प्रेस करने पे वो काम उस तरीके से परफॉर्म हो जाएगा। इसके बाद अगला फीचर है यूज प्रिंट स्क्रीन बटन टू ओपन स्क्रीन स्निपिंग। अब ये अगर आपका ऑन है तो आपके कीबोर्ड पर एक बटन होता है जिस पे लिखा होता है प्रिंट स्क्रीन। क्या लिखा होता है? प्रिंट स्क्रीन। कीबोर्ड पर एक बटन होता है जिस पे लिखा होता है इस तरह से प्रिंट स्क्रीन, या तो पूरा लिखा होगा प्रिंट स्क्रीन या लिखा होगा PRTSCN। ये बटन क्या काम करेगा, अगर आपने ये फीचर ऑन किया है, जैसे ही ये बटन आप अपने कीबोर्ड पर से दबाएंगे विंडो चलने के दौरान, तो एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर देगा जिसका नाम है स्क्रीन स्निपिंग। स्क्रीन स्निपिंग आसान अल्फाज में स्क्रीनशॉट। फिर आप जिस हिस्से को भी सेलेक्ट कर लेंगे ये उस हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लेगा, लेके कॉपी कर लेगा। अब आपको चाहिए तो उसको पेस्ट कराना होगा। पेस्ट कराने का तरीका ये है, जैसे अगर मैं व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ और मुझे ये किसी को सेंड करना है, जैसे कि मुझे ये कासिम को सेंड करना है, तो मैं उस पर जाके कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, जैसे कंट्रोल वी करूंगा तो वो हिस्सा एज ए स्क्रीन शॉट के तौर पे आ जाएगा और मैं सेंड कर दूंगा, सही है। अब मुझे सेंड नहीं करना, सेव करना है, तो मैं अपने कंप्यूटर से एक प्रोग्राम खोलूंगा जिसका नाम है MS Paint, जो आप सब यूज करते रहे, और उसमें जाके वहां पर भी कंट्रोल वी दबाऊंगा, पेस्ट करूंगा और वो हिस्सा उसमें आ जाएगा, जिसके बाद मैं उसको सेव करके सेव कर लूंगा अपने कंप्यूटर में जहां चाहूं, और ये उसकी जैसे डेस्कटॉप पे कर लेता हूं, तो यहां पे जाके मैं इसका नाम रख लेता हूं 0009 और इसको सेव कर देता हूं, तो ये सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप के ऊपर। जाके मैं चेक कर लेता हूं और ये देखिए ये फाइल यहां पे सेव हो गई, जिसके बाद मैं किसी को शेयर करना है या मुझे किसी को दिखाना है या मुझे वो कहीं यूज़ करना है तो मैं यूज़ कर लूँगा। याद रखें ये फीचर आप ऑन करेंगे यहां से, फिर अपने कीबोर्ड से जैसे ही प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएंगे तो वो आपके सामने सिलेक्शन का मोड देगा, फिर जिस हिस्से का आप स्क्रीनिंग लेंगे उसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे, फिर पेस्ट करना है। अगर किसी को सेंड करना है तो व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दें, और अपने कंप्यूटर में सेव करना है तो MS Paint के अंदर जाके इसको पेस्ट कर दें, सही है, फिर सेव कर लें आप। समझ में आ गई? तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए, अब हम इसको यहाँ पे ऑफ करते हैं। तो ये